अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे इन मैथ्स क्लास वी हैव पेज नंबर, बुक पेज नंबर 68, 69 एंड 70। ऑन पेज बुक नंबर 68, 69 एंड 70 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 68 वी हैव असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। वी हैव हेयर वी हैव सम स्टूडेंट्स, सम चिल्ड्रंस, अली, रिदा एंड हीरा आर कंपेयरिंग द नंबर ऑफ स्टिकर्स दे हैव। वो लोग अपने स्टिकर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि सबके पास कितने कितने नंबर ऑफ स्टिकर्स हैं। लेट्स काउंट एंड मेक अ लिस्ट। फर्स्ट वी काउंट अलीज स्टिकर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। So Ali has 11 stickers. And now we count Rida's stickers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rida has 8 stickers. Now Hira's turn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hira has 9 stickers. We can use number line to compare the number of stickers. हम number line को use कर सकते हैं ये देखने के लिए कि किसके पास ज़्यादा number of stickers हैं और किसके पास less number of stickers हैं, यानी कम number of stickers हैं। Ali has, हम देखेंगे number line पे सबसे ज़्यादा stickers किसके हैं, Ali. Ali have 11 stickers, Hira has 9 stickers and Rida has 8 stickers. So we see that Ali has greatest number of stickers and Rida has smallest number of stickers. Now page number 69, we see that the numbers are arranged in order from the smallest to greatest. जो नंबर स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जो है, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट की तरफ हम लोग जाएंगे, उनको अरेंज करेंगे। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। व्हेन देयर इज असेंडिंग ऑर्डर वी मूव टू राइट ऑन नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे राइट की तरफ मूव करते हैं व्हेन वी असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आप देखेंगे इरा के पास 8 स्टिकर्स थे, रिदा के पास 9 स्टिकर्स थे और अली के पास 11 स्टिकर्स थे। तो हमने जब इनको अरेंज किया स्मॉलेस्ट से बिगर की तरफ, 8, 9 एंड 11। रिमेंबर स्टूडेंट्स, असेंडिंग मींस गोइंग अप। अगर हम स्टेयर्स की तरफ, गोइंग अप की तरफ जाएंगे तो वो असेंडिंग है, असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि स्मॉल से बिग की तरफ जाना असेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपर से डाउन की तरफ आएंगे, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आने को डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। द नंबर आर अरेंज्ड इन ऑर्डर फॉर्म द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर हम उनको अरेंज करते हैं ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हेन देयर इज डिसेंडिंग ऑर्डर वी मूव टू लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। यानी कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो राइट की तरफ मूव करेंगे नंबर लाइन पे, और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। नाउ ट्राई, हम लोग पेज नंबर 70 पे चलते हैं और उसको करते हैं। लेट्स मूव विद मी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पेज नंबर 70 पे अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको पिछले पेज पे अभी बताया कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉल से बिग की तरफ जाना। अब हम इन नंबर्स में देखेंगे हमारे पास सबसे ज्यादा, हम काउंट करके देख सकते हैं कि सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। अगर हम देखें 9, 2, 6, 12, तो हमें इसमें सबसे स्मॉल नंबर जो नजर आ रहा है वो है नंबर 2, यानी कि 0, 1, 2। अगर हम काउंट भी करेंगे तो हम इसको काउंट करके भी पढ़ सकते हैं कि 0 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया, 2। तो हम सबसे पहले यहाँ राइट करेंगे नंबर 2, और 2 नंबर राइट करने के बाद आपने कोमा भी लगाना है। कोमा लगाने का वजह ये है कि यहाँ पे हम सीक्वेंस में नहीं लिख रहे, हम लोग उनको तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं क्योंकि मिक्स नंबर हमें मिले हुए हैं। अब हम देखेंगे 2 के बाद बिगर नंबर कौन सा है, देखें कोशिश करें। जी हाँ, यहाँ पे नंबर 6 जो है वो 2 के बाद आया है। 2 के बाद हम काउंट करेंगे 3, 4, 5। ना तो इस नंबर में 3 है, ना 4 है और ना 5 है, तो उसके बाद जो नंबर आया है वो है नंबर 6।
तो हम यहाँ पे राइट करेंगे नंबर सिक्स. नंबर सिक्स को राइट करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद है नंबर नाइन. देन लास्ट नंबर जो हमारे पास बचा वो है नंबर ट्वेल्व. सो स्टूडेंट्स ये देखें कि इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, टू सिक्स नाइन ट्वेल्व. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इलेवन नाइन नाइनटीन नाइन एंड थ्री. अब आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. जी हाँ, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है नंबर थ्री. वी राइट हियर नंबर थ्री, कोमा लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे इलेवन नाइनटीन या नाइन. तो नाइन, थ्री के बाद आ जाएगा नाइन. हियर वी राइट नाइन, कोमा लगाएंगे और उसके बाद है नंबर इलेवन और उसके बाद है हमारे पास नंबर 19. सो वी राइट दिस सेंटेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, 3, 9, 11, 19. आप देख रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर से बिगर नंबर की तरफ मूव करने को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. नंबर 3 क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें है हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, नंबर 2. तो हम यहाँ पे राइट करेंगे नंबर 2, कोमा लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे फिर लाइन पे तो नंबर 5. हियर वी राइट नंबर 5, कोमा लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे नंबर 10 है हमारे पास स्मॉलेस्ट. नंबर 10, फिर 17, देन 20. तो ये नंबर भी अरेंज हो गए स्मॉलेस्ट से बिगर की तरफ, 2, 5, 10, 17, 20. स्टूडेंट्स आपने तीन क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी टू और बचे हैं वो आप लोगों ने खुद से करने हैं. अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स नाउ इन सेकंड पार्ट वी अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको मैंने बताया है असेंडिंग ऑर्डर में हमने स्मॉल से बिग की तरफ जाना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बिग से स्मॉल की तरफ आना है, यानी कि हमने बिगर नंबर से स्टार्ट करके नंबर्स को अरेंज करना है. हमारे पास ए सम है 9, 2, 6, 12. अब हमने देखना है कि इन नंबर्स में सबसे बिगर नंबर कौन सा है. तो आप देखें सबसे बिगर नंबर है नंबर 12. तो हम सबसे पहले राइट करेंगे 12 और उसी तरह हम लोग कोमा लगाएंगे और उसके बाद 12 से स्मॉलर नंबर्स ढूंढेंगे. 12 से स्मॉलर नंबर हमारे पास है नंबर 9. तो हियर वी राइट नंबर 9. उसके बाद है नंबर 6 एंड देन नंबर 2. देखिए स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में हमने स्मॉलर नंबर से बिग की तरफ गए, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बिगर नंबर से स्मॉलर की तरफ आएंगे. 12, 9, 6, 2. इन सेकेंड सम वी हैव विच नंबर इज बिगर. हम अपने नंबर्स को गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और हाँ हमें यहाँ बड़ा नंबर नजर आ रहा है, बिग नंबर, नंबर 19. सो वी राइट हियर नंबर 19, कोमा लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे नंबर 11. स्मॉलर है, बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ के भी आप ये डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं. असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ के इनको सॉल्व कर सकते हैं. अब 11 के बाद हमारे पास है नंबर 9 एंड देन नंबर 3. स्टूडेंट्स देखेंगे 19, 11, 9 एंड 3, बिगर टू स्मॉलर नंबर. अब हम इन नंबर से कल से जाएंगे, सबसे बिगर नंबर हमें नजर आ रहा है नंबर 20. तो हम सबसे पहले यहाँ राइट करेंगे नंबर 20, कोमा लगाएंगे, उसके बाद है नंबर 17, फिर कोमा लगाएंगे और नंबर 10. देन हमारे पास आ जाएगा नंबर 5 एंड नंबर 2. 20, 17, 10, 5, 2. ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर. सो स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर के और डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्री क्वेश्चन, थ्री सम्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं. थ्री सम्स आपने अपनी मामा की हेल्प से या खुद अपनी कोशिश करके उनको सॉल्व करना है. पेज नंबर 68, 69 एंड 70 पे आपने डेट एंड डे मार्क करनी है और अपने काम को नीटली और क्लीनली करना है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.